हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस दी मेडिकल फैक्ट्री। सो स्टूडेंट्स, हम आप लोग के लिए सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। 20 मोस्ट एमसीक्यू बेस्ड ऑन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फॉर बीएमएलटी डीएमएलटी एंड स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट। ओके, तो नीट के बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वीडियोस। और बाकी तो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी बीएमएलटी डीएमएलटी इन सब के लिए इम्पोर्टेंट तो ही है। तो सो प्लीज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो समझ में आए तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। ओके, तो चलिए हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट, कितनी तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, कि टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर। ओके, कौन सी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होती है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होती है। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा, बताइएगा कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। कमेंट करिए फास्ट। क्वेश्चन फिर अगेन बोल रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसीडर अ यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओ, ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर थ्री, द एंटीजन फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन, ठीक ना, एंटीजन एबीओ एंड आर एच ब्लड ग्रुप। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रही तो इसके पहले हमारी वीडियो अपलोड हुई थी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो आप एक बार देखिए, समझिए और देन दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट जाएगा, ठीक ना। द एंटीजन फॉर एबीओ एंड आर एच ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन, यानी कि एबीओ और आर एच ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन होती है किस पे प्रेजेंट होती है, ठीक ना, प्लाज्मा पे होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स पे होती है, रेड ब्लड सेल्स पे होती है, कि प्लेटलेट्स पे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रेड ब्लड सेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट आर द टू ब्लड टेस्ट, व्हाट आर द टू ब्लड टेस्ट। ओके, हाँ, इनमें से कौन सा दो ब्लड टेस्ट है ब्लड ग्रुप के लिए, आर एच एंड ए बी बी, एबीओ एंड आर एच, एबीओ एंड आर एन, या एबीसी एंड आर एच, यानी ब्लड ग्रुप के लिए कौन सी दो टेस्ट आप करते हो, ब्लड ग्रुप के लिए आप कौन सा दो टेस्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर फोर, ओके, व्हाट आर द टू ब्लड टेस्ट फॉर ब्लड ग्रुप। ओके, फॉर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के लिए कौन से दो ब्लड टेस्ट आप करते हो, आर एच एंड ए बी बी करते हो, सेकेंड ए बी ओ एंड आर एच करते हो, सी ए बी ओ एंड आर एन करते हो आप, या ए बी सी एंड आर एच करते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, हम ब्लड ग्रुप को डायग्नोस करने के लिए दो ब्लड टेस्ट करते हैं, एक हम लोग ए बी ओ करते हैं और एक हम लोग आर एच करते हैं। आर एच क्या है ये हम आपको इस वीडियो में डिस्कस किए, तो सो प्लीज लिंक में जाइए, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ओपन करिए और वीडियो को दोबारा री आप देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ह्यूमन ब्लड नोन एज। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ह्यूमन ब्लड नोन एज। ओके, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्टिंग, या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफ्यूरिंग। तो आप जिस प्रोसेस से ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, सॉरी पर्सन टू पर्सन, यानी कि आप ब्लड बैग से पेशेंट के अंदर जिस प्रोसेस से ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हो उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ट्रांसफ्यूजन।
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ट्रांसफ्यूजन कहते हैं उस प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? ए थॉमस कोली, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी कैमिलो गोल्गी एंड डी अर्न हैकर। तो ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? बी कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आरएच ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन, आरएच ब्लड ग्रुप कब डिस्कवर किया गया था? ए 1930s, बी 1940s, सी 1950s या डी 1960s। तो बी इज अ करेक्ट, 1940s। ओके, 1940s में क्या हुआ था? आरएच ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ओके सॉरी यहाँ 10 आ गया, बट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ 10 द एंटीबॉडी प्रेजेंट। ओके, ऑप्शन नंबर 8 देखिएगा, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए, ठीक ना, इज ए, ए ब्लड ग्रुप के लिए, देन द एंटीबॉडी प्रेजेंट, ओके क्या होगा? एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटीबॉडीज, एंटी ओ एंटीबॉडीज या एंटी ओ ए एंटीबॉडीज, ठीक ना, एंटी ओ एंड ए। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सी ब्लड, तो कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके अगेंस्ट उस आरबीसी के सरफेस पे कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी बी होगी। ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, इन डिटरमाइनिंग फिनोटाइप ऑफ एबीओ सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट, इन डिटरमाइनिंग फिनोटाइप ऑफ एबीओ सिस्टम, ठीक ना, इन डिटरमाइनिंग फिनोटाइप ऑफ एबीओ सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए, ओ इज डोमिनेंट ओवर ए, बी इज डोमिनेंट ओवर ए, ओ इज रिसेसिव एंड डी ए इज डोमिनेंट ओवर ए। ऑप्शन दोबारा सुनिएगा, ओ इज डोमिनेंट ओवर ए, बी इज डोमिनेंट ओवर ए, ओ इज रिसेसिव एंड डी ए इज डोमिनेंट ओवर ओ। ओके, इन डिटरमाइनिंग फिनोटाइप ऑफ एबीओ सिस्टम। ओके, तो देखिएगा इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा, वो रिसेसिव होती है, जो फिनोटाइप को क्या करती है, डिटरमाइन कराती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में। ओके चलिए, ये आपको टॉपिक नहीं समझ में आया होगा, तो अगर नहीं आया, इस क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो प्लीज हमारी वीडियो जरूर देखिएगा जो हम लिंक दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन वॉट बेसिस इज द ब्लड ग्रुप टाइप क्लासिफाइड। ओके, ऑन वॉट बेसिस इज द ब्लड ग्रुप ब्लड टाइप क्लासिफाइड। चलिए, ऑन वॉट बेसिस इज द ब्लड ग्रुप टाइप क्लासिफाइड, ठीक, किस बेस पे ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए एंटीजन, ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी रेसेस फैक्टर एंड ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन कंटेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा हूं, ऑन व्हाट बेसिस इज अ ब्लड टाइप क्लासिफाइड, ठीक ना, ब्लड टाइप को कितने किसके बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, अब ब्लड ग्रुप को किसके बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लड को आरएच फैक्टर के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ऑन व्हाट बेसिस द ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड, ठीक ना, ब्लड ग्रुप को किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है? तो ब्लड ग्रुप को ए एंटीजन एंड एंटीबॉडी, बी हीमोग्लोबिन कंटेंट, सी रेसेस फैक्टर एंड डी ऑक्सीजन कंटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बेस पे ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 12
इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कह रहा है, कह रहा है विच ब्लड टाइप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू द इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज अननोन। ओके, क्वेश्चन नंबर ध्यान सुनिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है विच ब्लड टाइप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू द इंडिविजुअल, ट्रांसफ्यूज टू बी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज अननोन। सही है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, अदर देन ट्रांसफ्यूजन, ठीक ना, अदर देन ट्रांसफ्यूजन When is the necessity to take the RH factor into the consideration? Okay. When then transfusion? When is it necessary? Other than transfusion, when is it necessary to take the RH factor into consideration? Catheterization, spleen rupture, rupture, pregnancy or blood donation? क्वेश्चन नंबर थर्टीन ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर आपका आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने लास्ट पेज में आंसर दे रखा है, लेकिन आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं दोबारा बता रहा हूँ, अदर देन ट्रांसफ्यूजन व्हेन इज इट नेसेसरी टू टेक द आरएच फैक्टर इनटू कंसीडरेशन, ए कैटेगराइजेशन, बी स्प्लीन रैप्चर, सी प्रेगनेंसी, डी ब्लड डोनेशन। ओके, ब्लड डोनेशन बताएगा, जल्दी कोई बताएगा फास्ट, नहीं पता कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी। चलिए अब आते हैं, इफ अ पर्सन हैज ए बी नेगेटिव ब्लड हु ऑल कैन डोनेट ब्लड टू हिम, इफ अ पर्सन हैज ए बी नेगेटिव ब्लड हु ऑल कैन डोनेट ब्लड टू हिम। ओके, ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी ऑप्शन नंबर बी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ठीक, ऑप्शन नंबर डी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। कह रहा है इफ अ पर्सन हैज ए बी ब्लड ग्रुप, यानी एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, हु ऑल कैन डोनेट ब्लड टू हिम, यानी ये किसको एक ब्लड दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, ए नेगेटिव को, बी नेगेटिव को, ओ नेगेटिव को और ए बी नेगेटिव को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन हैज बोथ एंटी एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, ओके, हैज बोथ व्हेन द प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन, ओके, हैज बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन वुड बी ए बी, ए बी एंड ओ, यानी एक पर्सन में एंटी ए बी है और एंटी बी भी है, यानी ये ब्लड एक पर्सन है जिसके प्लाज्मा पे दोनों एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ए, ऑप्शन नंबर बी बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ओके, आफ्टर एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर एग्जामिनेशन द ब्लड ग्रुप ऑफ हस्बैंड, After examination, the blood group of husband and wife, the doctor advised the not have a more than one child. The blood group of the couple are likely to be. ध्यान सुनिएगा, कह रहा है after examination of the blood group of husband and wife, यानी husband और wife का
ब्लड ग्रुप एग्जामिनेशन डायग्नोस करने के बाद द डॉक्टर एडवाइज देम नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड, ओके ना डॉक्टर, द डॉक्टर एडवाइज देम नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड, द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल आर लाइकली टू बी, ठीक, ए मेल आर एच निगेटिव एंड फीमेल आर एच पॉजिटिव, बी मेल आर एच पॉजिटिव एंड फीमेल आर एच निगेटिव, मेल आर एच पॉजिटिव एंड फीमेल आर एच निगेटिव, डी मेल आर एच निगेटिव एंड फीमेल आर एच निगेटिव, ओके इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेल आर एच पॉजिटिव है और फीमेल आर एच निगेटिव हो। इस पे हम एक वीडियो लेकर के जरूर आए कि अगर मेल आर एच पॉजिटिव है और फीमेल आर एच निगेटिव है तो इसमें डॉक्टर एक या एक वन से अधिक बेबी को एडवाइस नहीं देता है। इसका रीजन क्या होता है, इस रीजन पे लेकर के हम एक वीडियो बहुत जल्दी आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवर्ड, है ना, ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, ए किडनी, बी गॉल ब्लैडर, सी स्प्लीन एंड डी लीवर, सी स्प्लीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज मोस्ट इफेक्टिव इन द एक्टिव कप्लीमेंट, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज अ मोस्ट इफेक्टिव इन द एक्टिविटी कप्लीमेंट, ओके ऑप्शन नंबर ए आईजीजी, ऑप्शन नंबर बी आईजीडी, ऑप्शन नंबर सी आईजीए, ऑप्शन नंबर डी IgM, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट IgM, IgM एंटीबॉडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इम्यूनोग्लोबिन को एक्टिवेटिंग कंप्लीमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द जेनेटिक आरएच ग्रुप सिस्टम, ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द जेनेटिक आरएच ग्रुप सिस्टम थियरीज स्टेट द इनहेरिटेंस ऑफ द 5 आरएच जीन इज कंट्रोल्ड बाय द 3 लाइकली एलील, ओके DDCEE, ओके तो ए वीनर थियरी, बी फ्रीसर रिस थियरी, सी नॉन ऑफ द आंसर, डी करंट आरएच जेनेटिक थियरी, ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फ्रीसर रिस थियरी। इस पर अगर इस क्वेश्चन को भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इस पर भी मैं एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ द टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप इज मिक्स टुगेदर व्हेन प्रॉब्लम इज एब्जॉर्ब, ओके अगर दो ब्लड ग्रुप हम एक दूसरे से मिक्स करें तो कौन सी प्रॉब्लम हम एब्जॉर्ब करते हैं, कोगुलेशन, एग्लूटिनेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड एम्बोलिज्म, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एग्लूटिनेशन, ओके देन यहां आपको लास्ट में सारे क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है तो आप उससे बार करेक्ट कर सकते हैं, ओके देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।